नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए मैं देखते हैं कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाऊंगी कुमड़ो चिंगड़ी। तो कुमड़ो जो है उसे बंगाली में कहा जाता है, लेकिन हिंदी में कहते हैं कद्दू। और चिंगड़ी जो है उसे बंगाली में चिंगड़ी कहा जाता है, लेकिन उसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रॉन फिश। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कद्दू के साथ प्रॉन फिश किस तरीके से बनाती हूँ। ये बहुत ही डिलीशियस एक रेसिपी है। तो चलिए देखते फटाफट से कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो पहले यहाँ पर जो मैंने क्या किया है, जो प्रॉन फिश है उसे मैंने छील लिया है, लेकिन उसे मुझे हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून नमक से मैंने इसे मैरिनेट कर लिया है करके। अब मैंने इसको मस्टर्ड ऑयल में, मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल गरम किया है, उसमें मैंने ये जो प्रॉन फिश है मैंने उसको दे दिया है। उसे अब बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। प्रॉन फिश को हमें कभी भी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता है, और ना ही बहुत ज़्यादा इसको उबालना होता है, क्योंकि प्रॉन फिश को अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राई करोगे तो ये हार्ड हो जाता है, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का सा इसे फ्राई कर लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए, लेकिन ये पक भी जाए अच्छे से और ये सॉफ्ट रहे, हार्ड ना हो। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है। देखिए करीबन ये फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे एक अलग बोल में निकाल लूँगी। यहाँ पर जो प्रॉन फिश है उसे मैंने अलग कर लिया है। उसी तेल में मैंने यहाँ पर दो तेज पत्ता ऐड किया है, दो सूखी लाल मिर्च और करीबन एक टीस्पून यहाँ पर मैंने जीरा ऐड किया है। थोड़ा सा इसे भून लेंगे। जस्ट थोड़ा सा इसको भूनने के बाद हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। मैंने देखिए यहाँ पर वेजिटेबल्स कट किए हैं, आलू और कद्दू और हरी मिर्च। यहाँ पर मैंने ये तीन चीज़ें दी हैं। कद्दू को आप देख सकते हो मैंने थोड़ा बड़ा साइज करके कट किया है, क्योंकि कद्दू जो है वो बहुत जल्दी गल जाता है, इसीलिए आपको इसी तरीके से थोड़े बड़े साइज में कट करने हैं। और आलू को भी ठीक उसी तरीके से आपको कट करना है। और हरी मिर्च को मैंने 20 से कट कर दिया है, स्लाइसेस कर दिए हैं हरी मिर्च के। अब जितने वेजिटेबल्स हैं मैं इसे एक साथ एक बार में ही दे दूंगी, और इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है, बहुत अच्छे से फ्राई करना है, जिससे कि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ही दूर हो जाए। और अभी इसमें कोई मसाला आपको ऐड नहीं करना है, इसे सिर्फ आप फ्राई कीजिए कम से कम 5 मिनट के लिए एकदम हाई फ्लेम में। देखिए मैं हाई फ्लेम में इसको मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अभी तक ये फ्राई नहीं हुआ है अच्छे से, इसे और भी हमको फ्राई करना है। बिल्कुल रेड हो जाएगा ये फ्राई करते करते, अच्छे से हमको फ्राई करते रहना है इसे। पाँच मिनट के लिए करीबन इसको इसी तरीके से आपको चलाते रहना है, फ्राई करते रहना है इसको। देखिए यहाँ पर जो है अब 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, और इसे हाई फ्लेम में मैंने फ्राई किया है, और ये फ्राई होके देखिए इस तरीके से लग रहा है। अब जो है मैं मसाले इसमें एक एक करके अब ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा हम मसाले यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, बहुत कम मसाले में मैं इसे बनाऊँगी। मैंने यहाँ पर जो है 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा पाउडर मैंने ऐड किया है, और 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर यूज़ किया है, और नमक जो है वो स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पर ऐड किया है। और इसमें मुझे 1 चम्मच मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। चीनी मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इस डिश में अगर आप थोड़ा सा मिठास हो तो ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो आप चीनी नहीं भी दे सकते हो, लेकिन इस डिश में अगर थोड़ा सा आप चीनी ऐड करोगे तो अच्छा टेस्ट, ये जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा, इसलिए यहाँ पर इसमें चीनी ऐड करना होता है। अब हम इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस 1 मिनट के लिए आप इसको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, जिससे कि मसाला जो है जले ना। सिर्फ 1 मिनट के लिए हमको इसमें इसको फ्राई करना है। फ्राई करके अब मैं इसमें 2 कप वाटर ऐड करूँगी। थोड़ा ज़्यादा पानी इसमें लगता है, 2 कप वाटर मैं इसमें ऐड करूँगी। ऐड करके अब मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें कुछ मटर के दाने जो हैं वो मैं इसमें ऐड करूंगी। मटर के दाने हमने फ्राई नहीं किए हैं, ये जस्ट हमको उबालने हैं।
मटर के दाने में अब ऐड करूंगी। अब मैं इसको क्या करूंगी, ढक दूंगी करीबन 8 मिनट के लिए, हाई फ्लेम में छोड़ दूंगी इसे। 8 मिनट के लिए मैं इसे ढक के हाई फ्लेम कर दूंगी, जिससे कि ये जो सब्जी है और सब कुछ अच्छे से पक जाए। देखिए 8 मिनट बाद मैंने इसके जो ढक्कन है वो मैंने निकाल लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले और भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अब मैंने इसमें प्रॉन फिश जो मैंने फ्राई करके अलग से रखे थे वो मैंने अब इसमें ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद इसे हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, जिससे कि ये प्रॉन फिश हार्ड हो जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए हम लो फ्लेम में ढक देंगे। 1 मिनट के लिए सिर्फ लो फ्लेम में हमको ढक के छोड़ देना है। 1 मिनट बाद ही हमको ये ढक्कन खोल के ये हम सर्व कर लेंगे। 1 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन खोल के देखिए। इसको ना ये जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा गाढ़ा आपको नहीं रखना है, थोड़ा सा ग्रेवी जो है वो पतला रखना होता है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना तो ये जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए हमको जो ग्रेवी है वो थोड़ा पतला रखना होता है। देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है खाने के लिए। आज बस यही तक, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं दोबारा आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।